ये कैट तो कहीं से नहीं है। इसको देख के ऐसा लगता है कि एक छोटा सा डॉग है जो कैट के शरीर में फंस गया है। फार्म में कोई ऐसा एनिमल नहीं है जिसको बिल्लो परेशान नहीं करती, चाहे बंदर हो, डॉग्स हो, काउज हो या फिर कोई पिग। हमारे यहाँ रेस्क्यू होके एक मंकी की बच्ची आई थी अवनी, उसका एक हाथ हमें एम्पुटेट करना पड़ा था। शुरुआत में अवनी बहुत पेन में तो थी ही, तो बिल्लो पूरा समय उसके साथ ही रहती थी जब तक वो ठीक नहीं हो गई। फिर जब अवनी ठीक होने लगी तो उसे ऐसा लगने लगा कि बिल्लो उसकी मॉम है, वो पूरे टाइम उसे चिपकी रहती थी। वो इतने अच्छे दोस्त हो गए थे कि उनको कोई भी चीज़ करनी हो वो एक साथ ही करेंगे, चाहे फिर वो खाना पीना हो, एक दूसरे की ग्रूमिंग हो, यहाँ तक कि जब अच्छी सी धूप निकलती थी तो वो साथ में ही सोते थे। मैंने कभी कोई ऐसी कैट नहीं देखी जो डॉग्स को दौड़ा दे। हमारे यहाँ एक रेस्क्यूड पिग था पैब्लो, वो उसको भी परेशान करती रहती थी, और फिर पूरा दिन उसे परेशान करने के बाद उसी के बगल में जाके सोएगी। जब उसे पैम्परिंग चाहिए होती थी, प्यार करवाना होता था, वो टोफू को बुला लेती थी। हमारे पास एक रेस्क्यूड भेड़ भी है, मीमी। उसकी और बिल्लो की फ्रेंडशिप भी कुछ यूनिक सी थी। ये वो दोस्त थे जो दिन के समय जब सब काम कर रहे होते थे तो सबके बीच में आके पकड़म पकड़ाई खेलते थे, मतलब इनको कोई और जगह नहीं मिलती थी। क्योंकि बिल्लो एक आउटडोर कैट थी तो वो अपनी मर्जी की मालकिन थी, अपनी मर्जी से फार्म पे आती थी, एनिमल से मिलती थी, खाना खाती थी, फिर अपना घूमने निकल जाती थी। शायद फार्म के बाहर भी उसके कई दोस्त थे, लेकिन एक दिन वो फार्म पर आई ही नहीं। हमें टेंशन तब होने लगी जब एक हफ्ता गुजर गया था और फिर भी वो फार्म पर नहीं आई थी। तो फिर हमने सोचा कि शायद उसके साथ कुछ बुरा घटा है और शायद अब वो नहीं रही है। लेकिन एक दिन वो वापस तो आई, पर बेचारी की आँख सूजी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किसी गैट से झड़प हुई है या फिर उसकी आँख में कोई लकड़ी घुस गई हो। उसकी हालत देखकर सब बहुत सैड हो गए थे, लेकिन हमें इस बात की तसल्ली थी कि चलो वो ज़िंदा तो है। वो एक आँख से कैसे देखेगी, इससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये था कि अगर वो ठीक हो भी गई तो वो रहेगी कैसे, क्योंकि आउटडोर कैट होने के बावजूद अब वो बाहर तो रह नहीं सकती थी। और उसके रहने का ढंग था बिल्कुल आउटडोर कैट वाला, तो कौन रखता है एक आँख वाली कैट को, तो उसकी अडॉप्शन की टेंशन थी। मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है करीना, तो एक दिन रैंडमली मुझे उसका फ़ोन आया और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो पहली बात वो मुझे फ़ोन उठाते ही बोलती है कि मुझे बिल्लो चाहिए। उसने बिल्लो को हमारे इंस्टाग्राम पे देखा था। वो किसी ऐसे की मदद करना चाहती थी जिसकी मदद कोई भी नहीं कर रहा था। तो चाहे बिल्लो की लाइफ पहले जैसी नहीं रही कि वो कभी भी बाहर घूमने निकल जाए या दूसरे जानवरों के साथ इंटरेक्ट करे, लेकिन उसको इतनी अच्छी दोस्त मिल गई है जो पूरे समय उसका ध्यान रखती है, उसके साथ खेलती है, उसे पैम्पर करती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको एक सेफ लाइफ देती है और खुश रखती है।